गुड आफ्टरनून, लेक्चर फर्स्ट में है, क्लास प्लस वन के हम लिमिट और डेरिवेटिव टॉपिक में चल रहे हैं। अब आज हम डेरिवेटिव करेंगे। टॉपिक हमारा क्या चलेगा? डेरिवेटिव, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशंस और उसकी क्वेश्चन जो उस डेफिनेशन पे बेस्ड होंगे। डेरिवेटिव denoted by dy by dx। डेरिवेटिव जो है हम जिसको डिनोट करते हैं dy by dx, f dash x से ऊपर डैश f dash x y1 से, मेरा मतलब इन सबका मतलब यही है, चाहे dy by dx बोल लो, चाहे y1 बोल लो, चाहे f dash x बोल लो, y dash से जहां भी y dash देखो उसका मतलब तुम्हें dy by dx निकालना है। कहीं ना कहीं तुमने d देख रखा है, जब चाहे फिजिक्स की बात कर लो, चाहे तुम लोग 10th क्लास में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन वो भी d by dt देखा हुआ है, या d1 से, या फिर लिमिट ऑफ लिमिट की भाषा में भी होता है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इन सब का मतलब आपको डिफरेंशिएट करना होता है। आइदर यू कैन डिनोट बाय डी बाय डीएक्स, या ये भी कह सकते हो क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड करो डी बाय डीएक्स, वही आंसर निकालना है, वही चीज करनी है जो एफ डैश एक्स अगर पूछे तो भी, वाई वन पूछे तो भी, वाई डैश पूछे तो भी, डी वन पूछे तो भी, लिमिट डेल्टा एक्स बोलो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो भी। इसका दूसरा नाम another name, first order derivative, पहला order derivative, वो differentiation करने को बोल दे या first order derivative निकालने को बोल दे, एक ही बात है, चाहे वो first order derivative पूछे चाहे वो डिफरेंशिएशन पूछे, एक ही बात। इसका मतलब क्या होता है? चेंज, किस रेट से, किस स्पीड से कोई चीज चेंज होगी वो बताते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मींस चेंज, रेट ऑफ चेंज, मतलब किसका मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डेरिवेटिव का, क्या मतलब, किसका मतलब है? डी बाय डी एक्स मतलब क्या हो गया? मींस रेट ऑफ चेंज, किस रेट से कोई चीज चेंज हो रही है वो बता रहे। अगर मैं यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स लिख दूं तो इसका मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज है, चेंज कोई हो रहा होगा और कोई उसको करने का फैक्टर होगा। रेट ऑफ चेंज कौन कौन रहा है? ऑफ वाई कर कौन रहा है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मेरे कहने का मतलब ये है दैट मींस इन डी वाई बाय डी एक्स जो वाई है वाई वो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब y चेंज हो रहा है और x क्या हो रहा है? x चेंज कर रहा है, जो उसमें चेंज आ रहा है वो x के कारण आ रहा है, x कर रहा है, करता ही। बस जैसे एग्जांपल सभी जानते हैं dv / dt वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी चेंज हो रही है कर कौन रहा है? टाइम चेंज कर रहा है, किसको चेंज कर रहा है? वेलोसिटी को, टाइम वेलोसिटी को, बस ये मतलब होता है कर रहा है।
वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम चेंज कर रहा है, बस इसी में सारी लड़ाई है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब डिफरेंशिएशन जो होती है, डेरिवेटिव होता है, बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसी चीज के चेंज को। जैसे अगर एग्जांपल मैं बोल दूं, आप मार्केट से फुटबॉल खरीदते हो, स्फेरिकल बैलून खरीदते हो, कभी बचपन में आपने खरीदा हुआ स्फेरिकल बैलून या फुटबॉल, स्फेरिकल मतलब 3D स्फेरिकल बैलून खरीदा होगा। आफ्टर वन डे उसकी कुछ एयर कंप्रेस हो जाती है, आफ्टर वन डे जो इसकी एयर है एयर वो कंप्रेस हो जाती है, तो चेंज होना शुरू हो जाता है। चेंज कौन होना शुरू हो जाता है? चेंज होना शुरू हो जाता है कौन? चेंज होना शुरू हो जाता है रेडियस, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सब चेंज होते हैं। कर कौन है उसको चेंज? इसका रेडियस कंप्रेस हो जाता है। मतलब आप अगर रेडियस अभी 5 सेंटीमीटर है, एक दिन बाद देखोगे आफ्टर वन डे उसका रेडियस कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, कंप्रेस हो जाएगा। करने वाला कौन है? क्या रेडियस करने वाला है? नहीं, रेडियस चेंज हो रहा है। करने वाला कौन है? चेंज करने वाला कौन है? टाइम है। टाइम मतलब एक दिन बाद, टाइम है। जैसे फुटबॉल लाते हो, एक दिन में हवा कम नहीं होती, 10-20-50 दिन बाद खेलते हो तो फुटबॉल में हवा कम नहीं होती, कौन चेंज कर रहा है? टाइम। दिस इज मीनिंग ऑफ दिस। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे में रेट ऑफ चेंज है, पर जो व्हाइट बोर्ड लगा है जिस वॉल पे उसका रेट ऑफ चेंज नहीं है। वो आप कल भी ऐसे ही देख रहे थे, आज भी ऐसे ही देख रहे हो, परसों भी, कल भी, परसों भी ऐसे ही व्हाइट बोर्ड लगा रहेगा, ऐसी ही दीवार लगी रहेगी, तो उसका रेट ऑफ चेंज 0 है। तो जो कॉन्स्टेंट होती हैं, जो फिक्स चीजें होती हैं, जो एक ही जगह रहती हैं, उनका रेट ऑफ चेंज 0 होता है, ऑब्वियसली तुम्हें पता है। जो मूवेबल होती हैं उनका कुछ रेट ऑफ चेंज होता है। तो यही हमारे पास है। तीसरी बात, मतलब पहला बात मैंने बोला डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को डिनोट अनदर नेम होता है फर्स्ट ऑर्डर भी बोलते हैं, डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं, इनमें से किसी भी तरीके से नोट कर सकते हो। डिफाइन एंड डिजाइन मीनिंग का मतलब रेट ऑफ चेंज का मतलब भी बताया मैंने, रेट ऑफ चेंज होता है, ये चेंज को बताता है। कितना चेंज वो तो डिपेंड करता है आपके पास, डिपेंड करता है आपके पास कि कितना चेंज वो कर रहा है। इन dy by dx एक और बात समझने वाली है नोट, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम चेंज कर रहा है वेलोसिटी को। इन dy by dx y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंड कर रहा है, x फ्री है। जैसे एग्जांपल है dv by dt है, वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंट है। टाइम आज तक किसी पे डिपेंड नहीं किया, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होते हैं। चलिए डिफाइंड एज डेफिनेशन भी लिखवा दें। डिफाइंड एज डेरिवेटिव को बोल, डिफाइंड एज एफ डैश एक्स लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, एच का स्मॉल चेंज होना किसी में भी, माइनस एफ एक्स बाई एच, ये इसकी डेफिनेशन। एक्सरसाइज है आपके पास, बस पहली एक्सरसाइज में तो कुछ नहीं है, खैर यही हमारे पास लगने हैं।
तीन ट्रिग्नोमेट्री के दो तीन फॉर्म है वो मैं लिखवा देता हूँ बस, और तो कुछ भी नहीं है। तो अनदर नेम फर्स्ट ऑर्डर डिनोट करते हो डी वाई बाई डी एक्स से, एफ डैश एक्स से, वाई वन वाई डैश डी वन से, या लिमिट डेल्टा, ये डेल्टा के लिए था जो यहाँ सिंबल बना था, इसको आप रीड करते हो एज पता है वैसे आपको डेल्टा। चलिए मेन डिवाइडिंग मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई जो होता है वो डिपेंडेंट हो रहा है, वाई जो होता है चेंज हो रहा है, एक्स जो चेंज कर रहा है, वाई डिपेंडेंट होता है, एक्स इंडिपेंडेंट होता है, जो चेंज हो रहा है वो डिपेंडेंट है, जो चेंज कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है, इसकी डेफिनेशन ये होती है। कुछ आपके पास रिजल्ट याद करने पड़ेंगे या नॉट है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, सबसे पहले है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी साइन ओ, दूसरा है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तीसरा है साइन सी साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस, सारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होते हैं, चार फॉर्मूले आप पढ़ लो बस, इसके अलावा नहीं यूज होने, कॉस ई माइनस कॉस डी टू साइन साइन डी माइनस सी बाय टू। ये क्या है ए और बी क्या है, हेयर ए बी सी डी आर एंगल हैं, हेयर ए बी सी डी आर एंगल किसके बला और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये एंगल मतलब ये 30 डिग्री भी हो सकता है, मतलब ए क्या हो सकता है 30 डिग्री, बी क्या हो सकता है 60 डिग्री, सी क्या हो सकता है 45 डिग्री, डी क्या हो सकता है 300 डिग्री एटसेट्रा, कोई भी एंगल हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें अगर डेफिनेशन से कहेगा तो हमें ये डेफिनेशन लगा देनी है क्वेश्चन में, हमें अगर डेफिनेशन से कहेगा तो हम क्या लगा देंगे, डेफिनेशन लगा देंगे। चलिए डिफरेंशिएट कराने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल by definition 13.7 exercise find the derivative differentiate karana hai, बाय डेफिनेशन और इसको बोलते हैं और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, चलिए जरा फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसका एक और भी नाम होता है बाय एबिनिशियो मेथड बोलते हैं, एबिनिशियो या कह लो ए बी इनटू, वैसे होता है एबिनिशियो मेथड, कोई भी पूछे इसका मतलब ये डेफिनेशन, कुछ भी नहीं लगानी, ये डेफिनेशन लगानी आपके आंसर निकलते जाएंगे बड़े आसान से रहेंगे, बाय नाम है डेफिनेशन कह लो, ये पहला तरीका है डिफरेंशिएट करने का फिजिक्स में, आप किसी और तरीके से समझते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमारे पास भी होता है अगले एक सेशन में, ये इसको बोलते हैं एबिनिशियो, ए बी मतलब स्टार्टिंग के अल्फाबेट, ए बी एबिनिशियो मेथड भी बोलते हैं। क्या रहता है देखो जरा, पहला क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड करो द डेरिवेटिव निकालना है जब x2 होगा, वेयर फंक्शन दिया हुआ है कितना बोला 3x,
सॉल्यूशन, एफ एक्स कितना दिया हुआ है सोचो जरा, 3x। हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। जब x2 रहेगा, जब एफ एक्स कितना है वही नोट है, डेफिनेशन लगा लो, बाय डेफिनेशन ऑब्वियस ही बात, एफ डैश एक्स कितना आएगा सोचो, बाय एच। तो फंक्शन कितना है यार, एफ एक्स कितना बताओ, फंक्शन कितना दिया है सोचो, 3x। इसको मान लो सेकंड, ये दिया होगा फंक्शन, क्वेश्चन में लिखा ही होगा फंक्शन, बाय डेफिनेशन एफ डैश एक्स दिए, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एफ एक्स की अगली आउटपुट क्या है, रिप्लेस करा दो एक्स को एक्स प्लस एच से, रिप्लेस करा दो एक्स को किससे कराओगे, एक्स प्लस एच से। रिप्लेस करा दो जहां से x हुआ उसकी अब क्या लगा दो, x plus h लगा दीजिए, जहां से x था उसकी अब क्या लगा दीजिए बताओ जरा, x plus h क्यों लगवा रहे हो x की जगह x plus h बताओ जरा, जहां से x था उसकी अब क्या लगा दो, x plus h। तो f x की जगह कितना आ जाएगा, x plus h। रिप्लेस करा लो x की जगह, कितना कराना चाहते हो, x plus h, क्यों, फॉर्मूले की डिमांड है। तो कितना आएगा बताओगे, f of x की जगह x plus h, thrice of x plus h, put करा दो 2, 3 को 1 में, क्योंकि दोनों की requirement थी, put करा देना बस answer आ जाएगा। तो क्या आएगा, f dash x limit of h approaches to 0, what is the meaning of x plus h, f of x plus h कितना आएगा, thrice of x plus h, एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स थ्राइस ऑफ एक्स, वाई क्या आएगा, एच नीचे क्या आएगा, एच, एफ एक्स कितना है, 3x। रिप्लेस करा दो एक्स को एक्स प्लस एच से, जहां जहां भी एक्स रहेगा, एक्स एक्स की जगह एक्स प्लस एच, एक्स एक्स प्लस एच, पुट करा दो 2, 3 को, लिखा होगा इन वन में, लो पुट करा दो 2 को 3 को इन वन, मतलब 2 में क्या था एफ एक्स, 3 में क्या था एफ एक्स प्लस एच, इसको वन में पुट करा, तो क्या आएगा एफ डैश एक्स लिमिट ऑफ एच अप टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कहीं है, हाँ है, कितनी दी हुई है, थ्राइस ऑफ एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है, थ्राइस ऑफ वाई एच की आंसर। लिमिट ऑफ थ्राइस ऑफ एक्स, थ्राइस ऑफ एच, थ्राइस ऑफ एक्स, ये लीजिए लिमिट ऑफ क्या देगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई भैया, एफ डैश एक्स की, कितनी आ गई बताओ सॉल्व करने के बाद, 3। तो हमसे फाइंड द डेरिवेटिव पूछ रहा, एफ डैश एक्स पूछ रहा था, तो लिमिट एच ऑफ 0 fx + h - f, x दिया हुआ है, रिप्लेस क्यों कर रहे हैं पता है, डेफिनेशन को लगाने के लिए, डेफिनेशन में क्या है x + h, तो x की जगह क्या होगा, तो x + h, x x + h, बस यही काम करना है। तो पुट करा दो 2 को ये रहा 2, 3 को ये रहा 3, किस में बोला 1, तो ये 3 ऑफ x + h, fx + h कितना होगा, 3 ऑफ x + h, fx कितना होगा, 3 ऑफ x, कट गया, तो f dash x कितना आ गया, 3, पर x को कितना रखना है, x equal to 2, put करा दो x equal to 2, करा दो left hand side में x है, पर right hand side में है ही नहीं, answer 3 का 3 रहेगा, क्योंकि है ही नहीं, या तो यहाँ पे क्या होता 3x, तो यहाँ x को 2 रखता तो 6 बन जाता, यहाँ x है ही नहीं, तो put का ग्राउंड 3 रहेगा, ये करने क्वेश्चन, एक और दे रहा हूँ आपको, कर रहा हूँ या फिर दे रहा हूँ, देखो दे रहा हूँ, एक दो भी हो गए तो हाथ खुल जाएगा, कोई दिक्कत तो रहती नहीं किसी को, ये कितना दिया हुआ है 4, फंक्शन कितना दिया हुआ है बताओ,
फंक्शन दिया एम एक्स प्लस सी, किस पे देखना है? जीरो पे। लगानी क्या है? डेफिनेशन, सॉल्यूशन वाई डेफिनेशन, ये ही डेफिनेशन। वी नो दैट एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ एक्स बाय एच, ये डेफिनेशन। इसको नंबर दो फर्स्ट। यहां कहीं क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है, दिया कितना दिया हुआ है एम एक्स प्लस सी, तो रिप्लेस करा दो एक्स को किससे, बोला एक्स प्लस एच से, रिप्लेस करा दो एक्स को एक्स प्लस एच, जहां जहां एक्स होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा एक्स प्लस एच, जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा एक्स प्लस एच। अब ये क्यों रिप्लेस करा रहे हैं, वो डेफिनेशन में पुट कराने के लिए करा रहे हैं, एक्स की जगह मार्कर ठीक नहीं है, लिखता है तो एक्स प्लस एच से बोला, तो कितना हो गया एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स प्लस एच, एम ऐसे कैसे रहेगा एक्स की जगह क्या आ जाएगा एच प्लस एच, प्लस क्या आ गया इसकी, ये किसकी वैल्यू है एफ एक्स की, ये किसकी वैल्यू है एफ एक्स प्लस एच की, पुट करा दो 2, 3 को इन वन इन वन करा दो, आंसर आ गया प्रश्न। करा दो वन एफ डैश एक्स कितना आ गया, लिमिट तो चलती रहेगी, लिमिट ऑफ एच अप्रोच टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना आएगा बताओ जरा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एम ऑफ एक्स प्लस एच प्लस सी, क्यों बोला देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, इधर देखो एम ऑफ एक्स प्लस एच प्लस सी, वही लिखिए माइनस एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कुछ दी हुई है, दी हुई है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्या वैल्यू आएगी एम ऑफ एक्स प्लस एच प्लस सी, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी एम एक्स प्लस सी, नीचे कितना आ जाएगा सोच लो, करा दो इसको कितना बनता है लिमिट ऑफ एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स माइनस सी, कट रहा है काट दो, निकाल दो आंसर कितना आ रहा है देख लो आप, कितना आएगा लिमिट ऑफ करा दो देखो कितनी वैल्यू दे रहे हैं, एस एच कट जाएगा से एम बच जाएगा, एच है तो पुट क्या कराऊंगा एम बच जाएगा, एड एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है एक्स की जगह कितना पुट करा दो जीरो, आंसर एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स था मैंने पुट करा दिया, राइट हैंड साइड में एक्स है तो पुट क्या कराना है आंसर, चलिए एक करके दिखाइए और जब तक मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिफ्थ का सेकंड है, फंक्शन दिया हुआ है साइन ऑफ वाई ऑफ एक्स एड एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था एक्स को मैंने एक्स प्लस एस से रिप्लेस करा दिया था, ये वाला करो इतना ट्राई f of x की जगह x plus h, x की x plus h, ये 2 था f x, 3 था f x plus h, 1 में पुट करा दो, यही निकालो जैसे पुट करा होगी हम x plus h plus c कितना आ जाएगा माइनस m x plus c, m x plus c नीचे कितना आ जाएगा h, तो ये आ जाएगा m x m h c m x into c आ जाएगा, तो एम एस एम एच कटेगा कितना रह जाएगा एम, तो आंसर आ जाएगा, कराओ जी कराओ अगला क्वेश्चन कराओ साइन टू एक्स, फंक्शन कितना दिया हुआ है बताओ जरा साइन ऑफ टू एक्स,
जहां जहां एक्स दिखता है वहां पे एक्स प्लस एच से रिप्लेस करा दो, कराना तो पड़ेगा ही। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच। तो एक्स की जगह क्या डाल दो, एक्स प्लस एच। साइन ऑफ टू एक्स प्लस एच, ऐसा क्यों बोला है, डेफिनेशन में पुट कराना है। डेफिनेशन क्या करें, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो क्वेश्चन में दिया ही होता है हर एक में, रिप्लेस करा लेना बस हर बार एक्स को एक्स प्लस एच से। पुट करा दो टू को और थ्री को, ये थर्ड है, कहाँ पुट करा लोगे, टू और थ्री को वन में करा दी। कितना आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, कितना आएगा साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स कितना आएगा, नीचे कितना आ जाएगा एच। ये साइन ऑफ सी है, ये साइन ऑफ डी है, जो भी फॉर्मूला लिखवाया है, ये पूरा किसका काम करेगा, पूरा सी का, चाहे टू अंदर ले जाओ, ये पूरा डी का, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, साइन सी माइनस डी बाय टू, साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, साइन सी माइनस डी बाय टू बाय एच। अब जिसको तुम पूरे को सी सोच रहे हो, सी पुट करा दो तो कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ ट्वाइस ऑफ कॉस, सी कितना है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एच, डी कितना है ट्वाइस ऑफ एक्स, सी कितना है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एच, डी कितना है ट्वाइस ऑफ एक्स, नीचे कितना आ जाएगा एच। तो यहां पे क्या आएगा, लिमिट ऑफ ब्रैकेट को दो, टू एक्स टू एच टू एक्स बाय टू, साइन ऑफ टू एक्स टू एच टू एक्स बाय टू, नीचे कितना आ जाएगा एच। तो यहां से लिमिट किसका अप्रोच हो गई है, जीरो, ट्वाइस ऑफ कॉस टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स टू एच बाय टू, ये कितना आएगा साइन ऑफ टू एच बाय टू, टू से टू कट गया तो कितना रह गया एच ही रह गया, सीधा ही लिख लो बस एच, नीचे क्या हो गया एच। पता ही है साइन एच बाय एच क्या होता है, वन, कौन से रिजल्ट से, बस आंसर आ गया, लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है, वन, वो रिजल्ट लगा दो तो साइन एच बाय एच क्या हो जाएगा, बाकी में लिमिट पुट कर दो आंसर। ये तो भैया एफ एक्स साइन टू एक्स था, बाय डेफिनेशन लगा दी, वो तो आपको लगानी है हर क्वेश्चन में, फंक्शन में एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स प्लस एच से। जब वो क्या पूछे क्वेश्चन में, बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो मेथड, तो एक्स की जगह क्या पुट कर दे, एक्स प्लस एच, एक्स की जगह क्या पुट कर दे, एक्स प्लस एच, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एच। तो क्या आ गया, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करा दो, टू कॉमा थ्री को वन में, तो एफ एक्स प्लस एच अगर पुट कराना आ गया, ये वाली वैल्यू उठाते हो यहाँ पुट करा देते हो, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, साइन सी माइनस डी बाय टू, सी कितना आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एच, डी कितना आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा फोर एक्स प्लस टू एच बाय टू, टू एच बाय टू कट जाएगा, टू से टू एच रह जाएगा, साइन एच बाय एच। बताओ भी कितना मन का आंसर निकाल दोगे, कितना आएगा सोच, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ फोर एक्स प्लस जीरो, वाई जीरो बिकॉज एच किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, टू कॉस फोर एक्स प्लस जीरो, वाई जीरो एच अप्रोच जीरो बाय टू, साइन एच बाय एच कितना होगा वन, टू कॉस फोर एक्स बाय टू कितना आएगा, टू एक्स आंसर। यही करा लो, यहाँ पे भी जगह इतनी दो, आ जाएगा आंसर टू कॉस फोर एक्स प्लस टू इंटू एच जीरो बाय, आंसर आ गया इंटू वन बिकॉज साइन एच बाय एच में टू कॉस टू एक्स। कराओ सेवन, कराओ जी, फंक्शन दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, प्रूव करो एफ डैश टू एफ डैश ए इक्वल है, करा देते हैं। हियर फंक्शन कितना आएगा, बस वैल्यू पुट करा दो, रिप्लेस करा दो। फंक्शन कितना है सोचना आराम से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस ए, जहां जहां एक्स होगा उसकी जगह रिप्लेस करा दो, किससे बोला एक्स प्लस एक्स, ये कितना आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सिक्स ऑफ एक्स प्लस एच, पुट करा दो टू कॉमा थ्री को इन वन, करा दो इसको। कितनी वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा, माइनस एफ एक्स कितना होगा एफ एक्स, नीचे कितना आएगा एच, करा लो भी सिंपलीफाई। y कितना आएगा जो कटते हैं काट दो, कितना बन जाएगा लिमिट ऑफ x स्क्वायर y कॉमन ले, तो लिमिट किसको अप्रोच हो गई है जीरो, ये कितना बनाओगे बताओ, कितनी वैल्यू आई है बताओगे एफ डैश एक्स की, फिर देयरफॉर एफ डैश एक्स कितना आ गया टू एक्स माइनस सिक्स, अलग अलग वैल्यू पुट करा दो इसको, फोर मान लो या थ्री मान लो, पुट करा लो एक्स की वैल्यू कितनी पुट कराओगे, पहले फाइव इन फोर एफ डैश फाइव, टेन टू फाइव माइनस सिक्स फोर, पुट करा लो एक्स को कितना बोला टू इन फोर, माइनस टू पुट करा लो एक्स को कितना बना एट, अब जो प्रूव करना उसमें वैल्यू पुट करना, तो प्रूव एफ डैश फाइव थ्री एफ डैश टू इक्वल टू एफ डैश एट, लेफ्ट हैंड साइड में पहले पुट कर एफ डैश फाइव कितना आया फोर, f डैश टू कितना आएगा सोचो माइनस टू, कितना आ गया थ्री और प्लस सिक्स टेन आ गया, टेन ही किसके इक्वल है f डैश एट के, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड ट्राई, कौन सी f डैश फाइव की वैल्यू थ्री f डैश टू की वैल्यू माइनस टू, सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड आ गया, नहीं तो यहाँ अलग से निकाल के करा लो f डैश फाइव को, यहाँ पुट करा लो यहाँ करा लो, चलो बाकी तो क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड के f डैश फाइव माइनस थ्री टाइम f डैश बताओ, f डैश फाइव भी निकालो कितना है टू, f डैश टू भी निकालो मैं कितना आएगा, क्या आ गया टेन, तो ये वैल्यू आ गई, तो करना क्या आपको कुछ भी नहीं, f डैश x में चले गए थे, क्या करा जो कटिंग होगी कटिंग कर दो, कितना आ गया h स्क्वायर 2xh माइनस 6 h कॉमन ले लो, h स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 h को जीरो करो, बस इसमें तो आ गया, चलिए
खत्म होगी, छोटी छोटी तो एक्सरसाइज है, क्या करना डेरिवेटिव। चलिए बाय।